सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनी सालार पार्ट 1 ये काइंड ऑफ ट्रेलर था, क्योंकि असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे प्रशांत सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे छिपे हुए कैरेक्टर्स होते हैं जो पहले पार्ट में सिर्फ कैमियो करते हैं, और एक पॉइंट पर हमें ऐसा लग सकता है कि इन कैरेक्टर्स को फिल्म में क्यों लिया गया, पर जब पार्ट 2 में हम उन छुपे रुस्तमों को काम करते हुए देखते हैं तब हमारी गलतफहमी दूर हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा इंट्रोडक्शन किसके लिए, तो ये सब है सालार पार्ट 1 में दिखाए गए पंडित के लिए। पंडित जिसका कैरेक्टर निभाया था एक्टर नवीन शंकर ने, और ये हर वक्त वर्धा राजा मल्लार का भाई रुद्रा के साथ ही दिखाई दिया करता था, रुद्रा की एक पुकार पर हाजिर हुआ करता था। पर इस पंडित का नाम भले ही पंडित हो पर उसकी हरकतें पंडितों वाली नहीं है जैसे कि संस्कारी या फिर अच्छी, बल्कि वो ब्रूटल और स्कूल में भी अपने दुश्मनों को खत्म करने का पोटेंशियल रखता है। कई कई जगहों पर हमें ये देखने को मिला कि वो शायद ब्लैक मैजिक किस्म की कोई कला जानता हो, और ये वॉयलेंस एक्शन से भी खतरनाक हो सकता है, यानी कि ब्लैक मैजिक सबसे ऊपर होता है, मतलब लोगों की नजर में आए बिना उनके गले का फंदा बनता, तो ये काफी खतरनाक और पावरफुल कैरेक्टर दिखता है। ऊपर से नोटिस करने वाली बात यह है कि खानसार के कुछ लोग इसे सलाम भी ठोकते हैं, क्योंकि शायद वो इसके इस ब्रूटल अंदाज को जानते हैं और ऐसे लोगों से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो उसे दूर रहना चाहते हैं। और जिस तरह से वर्धा के पास उसका दोस्त देवा है जो उसके लिए शिकार भी कर सकता है और शिकार हो भी सकता है, बिल्कुल उसका राइट हैंड है, उसी तरह से ये पंडित भी रुद्रा का राइट हैंड है, क्योंकि वर्धा और रुद्रा एक दूसरे के भाई जरूर है, मन्ना ट्राइब से बिलोंग करते हैं और समझदार भी है, पर शायद उतने कैपेबल नहीं है कि सामने आकर दुश्मन से दो दो हाथ कर ले। इसके साथ ही इन्हें जरूरत पड़ेगी किसी ऐसे शख्स की जो उनके साथ लॉयल हो और हर हाल में उनका काम भी पूरा करे। तो ऐसे ही है देवा और पंडित। अब इस पंडित कैरेक्टर को हम एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी कह सकते हैं। तो देवा जो वर्धा के साथ होने की वजह से सभी का दुश्मन है, जैसे कि वो रुद्रा का भी दुश्मन है, तो देवा के अगेंस्ट उस पंडित को रुद्रा काम पर लगा सकता है, और आगे चलकर ये भी हो सकता है कि कभी पंडित ने कोई गलत हरकत कर दी जैसे किसी लड़की के साथ गलत करने की कोशिश, तो फिर उसका पाला देवा के साथ पड़ सकता है, क्योंकि देवा औरतों की रिस्पेक्ट करता है भले ही वो कितना भी वॉयलेंट क्यों ना हो, और औरतों के साथ बदतमीजी करने वालों को सबक भी सिखाता है जो हमने पार्ट 1 में देखा है। तो इस पंडित से तो खतरा है देवा को और शायद वर्धा को भी। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।